नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, पूरे बरेली के अंदर हमारी एक कोशिश है, विशेषकर बरेली के अंदर, कि हम दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के लोगों की आवाज़ को बुलंद कर सकें, और इस कोशिश को कामयाब करने के लिए सबसे ज़रूरी है आप लोगों का साथ। साथियों, सीबीगंज के अंदर, सीबीगंज जो कि सदर तहसील में पड़ती है, और इस तहसील के अंदर किसानों का धरना चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले ये धरना लगभग 14 दिन पूरे हो चुके हैं, धरना जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सत्ता शासन प्रशासन इन लोगों का न्याय नहीं कर पा रहा है। संगठन के जिला अध्यक्ष दुर्गेश मौर्या जो लगातार जो है लगे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उन किसानों को, उन गरीबों को, उन मजलूमों को न्याय मिल सके, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी तरह से भारतीय किसान यूनियन के तहत हो रहे धरने में शासन प्रशासन और सत्ता पूरी तरह मौन हो चुका है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। आखिर कब न्याय मिलेगा? हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि किसी भी तरह से दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के लोगों को न्याय मिल पाए। साथियों, मैं भी रात के लगभग 1 बजे उस धरने में पहुंचा और रात का आलम देखा। जब मैंने ये देखा कि बरेली के सीबीगंज के अंदर इस प्रकार से धरना चल रहा है, बड़े बूढ़े, महिलाएँ, माताएँ, बहनें और छोटे छोटे बच्चे तक उस धरने में अपना योगदान दे रहे हैं। जिन छोटे बच्चों को घरों में होना चाहिए, वो छोटे बच्चे धरने के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। जिन छोटे बच्चों की आंखें नहीं खुल पा रही ठीक तरह से, नींद की वजह से वो परेशान हो रहे हैं, वो भी छोटे बच्चे अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार मुसीबत में है, क्योंकि उनका गांव मुसीबत में है, क्योंकि उनके लोग मुसीबत में हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आखिर क्यों सरकार इन लोगों को न्याय नहीं दे रही है? आखिर क्यों सत्ता पक्ष के लोग मौन हो चुके हैं? आखिर क्यों बरेली प्रशासन इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाता, क्यों इनका न्याय नहीं करता? ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। आखिर गारंटी क्यों नहीं है? साथियों, मेरी तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के साथ किसी भी तरह से न्याय हो सके, लेकिन इसके बावजूद भी यदि न्याय नहीं हो पा रहा है तो इसमें सबसे बड़ी कमी हमारी और आपकी दोनों की मिल करके है। जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक किसी भी कीमत पर ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता, और यदि चैनल आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारी और आपकी मेहनत सबकी बेकार है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और इस चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए साथियों मैंने भी दिन रात एक कर दिए। रात के 1-1 बजे तमाम जगह पे मैं पहुंचा हूं, और कैसे कैसे मुसीबतों में आकर के आप लोगों की आवाज़ को उठाने का एक बुलंद प्रयास किया। ऐसी स्थिति में आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग इस वीडियो को, हमारी तमाम सारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि साथियों जब आप हमारी वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर आवाज़ को हम मजबूती से उठा पाएंगे। साथियों, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बरेली का शासन प्रशासन और सत्ता पक्ष जो अब तक मौन है, वो इन किसानों के साथ न्याय करे। क्यों नहीं करता न्याय? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है? साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।